हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी स्टूडियोज इन ग्रेव पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब पार्ट 4। इससे पहले हम लोग एडवर्ब पार्ट 1, एडवर्ब पार्ट 2 एंड एडवर्ब पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं एडवर्ब पार्ट 4, ठीक है। बट उससे पहले मिल लीजिए हमारी अनअकैडमी स्टूडियोज इन ग्रेव की टीम से। मकान शर्मा सर मैथमेटिक्स के धुरंधर, विक्रम जी चौधरी सर आरजी रीजनिंग गुरु, शंभू कुमार सर जी और जीएस, पवन राव सर तो अल्टीमेट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। तो अपने बारे में बताऊं तो पिछले 8 सालों से मैं एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूं। 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को मैं मेंटोर कर चुका हूं। Popularly and lovingly, I am called a walking dictionary or a Mr. Dictionary or Mr. Vocab because I have learned all the words of Oxford Advanced Learners Dictionary. बात करते हैं एक बहुत ही खास ऐप की, that is Telegram ऐप। Telegram ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन कौन से एजुकेटर्स कब कब क्लास लेने वाले हैं, राइट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा आपका अपना गोल, दैट इज एसएससी एग्जाम। उसको चूज करने के बाद में आप एसएससी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है अनअकैडमी प्लस के? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट टीचर्स, फेवरेट एजुकेटर से पढ़ते हैं। डेडिकेटेड डाउट सेशंस होते हैं, राइट। इन डिटेल सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल एजुकेटर्स इन दैट कैटेगरी, ठीक है। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है एजुकेटर्स के साथ में, मतलब ऑनलाइन जब आप उनसे पढ़ रहे हो तो उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो। यू कैन डाउनलोड द वीडियोज एंड वॉच ऑफलाइन। आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं, मतलब जब भी आप कंफर्टेबल हो तो आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और जिनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो अगर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपका 6000 रुपये का है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं SR लाइव कोड, SR संदीप रावत लाइव, अगर ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट और वो हो जाता है 5400 रुपीज़ का, ठीक है। बात करते हैं 24 महीने के सब्सक्रिप्शन की। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो 9600 का पड़ता है। लेकिन अगर आप उसमें अप्लाई कर देते हैं SR लाइव कोड तो वो 10% डिस्काउंट के साथ में 8640 रुपीज़ का पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो सब्सक्रिप्शन की मैंने बताई हैं ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। इसका आप फ़ायदा उठाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही स्मूथली और ईजिली करिए। बात करते हैं टॉपिक एडवर्ब पार्ट 4 की, ठीक है। एडवर्ब पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? इससे पहले हम लोग एडवर्ब पार्ट 1, प्लस 2 एंड 3 कर चुके हैं। एडवर्ब पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे। एडवर्ब पार्ट 3 में हमने एंड किया था, कुछ ऐसे नाउन हैं जो एलवाई से एंड होते हैं प्लस पर वो एडवर्ब नहीं होते, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, राइट। और उनका हमने देखा था कि एडवर्ब कैसे फॉर्म होता है ऐसे वर्ड्स का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए। हमने वर्ड लिया था कॉवर्ड। कॉवर्ड कहा था नाउन है, लेकिन कॉवर्ड में अगर आप एलवाई ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है ना, कॉवर्डली एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा। अगर नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो कॉवर्ड एक नाउन है जिसका मतलब कायर व्यक्ति होता है। ठीक है, उसमें एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, कॉवर्डली, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव। ठीक है, राइट। इसका एडवर्ब कैसे फॉर्म होता है, मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इन, ए और एन प्लस फॉरवर्ड प्लस एल वाई, मतलब वो नाउन लेंगे और प्लस उसके साथ एल वाई, तो ये जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है उसको लेंगे, फिर बाद में वर्ड यूज करेंगे मैनर। ठीक है, राइट, क्या होगा, मैनर। तो क्या बन जाएगा वो, इन अ कॉर्डली मैनर। इन अ कॉर्डली मैनर। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब चलिए आप लोग पार्ट 3 जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक हम वर्ड लेते हैं, वर्ड है फूल। अब फूल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है ये, नाउन है बेटा। फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ये एक नाउन है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है, ये एक नाउन है, राइट। और अगर हम कहते हैं फुलिश तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव बनाए ना बेटा, वो आई एस एच लग के बनाए, एल वाई लग के नहीं बनाए, तो इसका एडवर्ब आप कर ही सकते हो, फुलिश प्लस एल वाई, एडजेक्टिव प्लस एल वाई, फुलिशली। इस एडवर्ब को आप मान सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इस ऐसे एडवर्ब को हम ऐसे एडवर्ब हम फॉर्म करते हैं जब एडजेक्टिव में एल वाई नहीं लगा हो, कुछ और लगा हो, तो एल वाई लगा करके हम एडवर्ब बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसको ये कह दें, इन अ फुलिश मैनर, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। मैंने आपको बताया था कि जनरली एल वाई लगने वाले एडजेक्टिव को एडवर्ब में ऐसे बनाते हैं, इन प्लस ए प्लस एन प्लस वो वाला एडजेक्टिव जिसमें एल वाई लगाओ प्लस मैनर। लेकिन किसी भी एडजेक्टिव को आप ऐसे एडवर्ब बना सकते हैं, भले उसका एल वाई वाला एडवर्ब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि ये ज़्यादा फ्रेज में बन गया है, ज़्यादा वर्ड से इस्तेमाल है, ये एक सिंगल वर्ड बन गया। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जिसमें एल वाई लग के बन जाता उसी को फॉलो करें, मैनर वाला बाद में। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस, पहले इसी को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ध्यान आया, फूल से, फूल मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है। क्वेश्चन अगर मैंने सिंपल बोल दूं, हालांकि क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सिंपल है, ही इज अ फूल होगा या ही इज फूल होगा, क्या होगा आंसर। अब फूल क्या है, अपने आप में नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए लगेगा, ही इज अ फूल। अगर हम फूल में आई एस एच लगाते हैं, फुलिश हो गया, वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, राइट, एडजेक्टिव हो गया, अभी मैंने बताया। अब यहां पे क्या सही होगा, ही इज अ फूल बॉय या ही इज अ फूलिश बॉय। अब फूल एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, एक नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो ही इज अ फूल बोलो, ही इज अ फूल बॉय नहीं, बट ही इज अ फूलिश बॉय बोल सकते हैं, क्योंकि ये फूलिश एक एडजेक्टिव है, क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को। तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं ये सब, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे एडिशनल चीज़ें ये जो बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सब बहुत बहुत काम आने वाली हैं आपके। बहुत से स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि एडजेक्टिव कहाँ है, वर्ब कहाँ है, एडवर्ब कहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना आसानी से आ जाएगा। चलिए नाउ हम आगे देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एलवाई से एंड हो रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, कुछ ऐसे वर्ड जो एलवाई से एंड होते हैं वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो एलवाई से एंड हो रहे हैं और वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम बता देते हैं कि ऐसे वर्ड्स टाइम से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? टाइम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जैसे वीकली, मंथली, ईयरली। ठीक है, वीक प्लस एल वाई, मंथ प्लस एल वाई, ईयर प्लस एल वाई। ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं। यही कुछ खास वर्ड्स हैं बस। अब कैसे ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करते हैं बेटा, जरा देख लेते हैं। He teaches English weekly. मैंने कहा he teaches English weekly। अब यहां पे देखिए he teaches English weekly में he सेंटेंस का सब्जेक्ट है, teaches क्या है? मेन वर्ब, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। और कब कब पढ़ाता है? टाइम क्या है? वीकली। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि एक्शन कितनी बार हो रहा है? सप्ताह में हो रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन अगर हमने कह दिया It is a weekly magazine. तो मैगजीन एक नाउन है। ठीक है, और वीकली क्या है? एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई करता है मैगजीन नाउन को। ठीक है, जो क्वालिफाई करता है मैगजीन नाउन को। तो यहाँ पर वीकली एक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है जो क्वालिफाई कर रहा है मैगजीन नाउन को। तो यहाँ पर वीकली क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। वीकली क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया। नाउ हमने कहा मंथली, मंथ नाउन प्लस एल वाई। ठीक है, मंथली। अब ये भी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। कैसे? आई गेट पेड मंथली, मुझे मंथली पे किया जाता है। आई गेट पेड मंथली, मुझे मंथली पे किया जाता है। तो इस केस में क्या है? मंथली किसको क्वालिफाई कर रहा है? गेट वर्ब को। एडवर्ब है। लेकिन अगर हम कह दें, कि इट इज अ मंथली अप्रेजल, मंथली अप्रेजल है, हर महीने अप्रेजल होती है, उसी वही एक मंथली अप्रेजल है। अप्रेजल क्या हो गया? एक नाउन हो गया। मंथली इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। राइट, क्लियर? चलो नाउ ईयर प्लस एल वाई। ईयर एक नाउन है, प्लस एल वाई लगा देते हैं तो क्या होता है? ये ईयरली होता है। ठीक है, अब ये भी एडजेक्टिव भी है और आपका एडवर्ब भी है। ठीक है, देखिए कैसे मैंने आपसे कहा कि आई गो देयर, ईयरली क्या कर रहा है, गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ईयरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इट इज अ ईयरली बुक, ये बुक ईयरली बुक है, हर साल में एक बार निकलती है, ठीक है। तो अब ईयरली इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया और ये ठीक है, डन। बात समझ में आ गई कि टाइम को डिनोट करने वाले ऐसे वर्ड्स जो एलवाई आता है जिनके साथ में, वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं, ठीक है। वीकली, मंथली और ईयरली। यहां तक कोई किसी को डाउट है? नहीं, गुड। चलिए अब कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं एडवर्ब के, ठीक है, राइट। जिस तरह से बेटा एडजेक्टिव में डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वैसी ही डिग्री एडवर्ब में भी होती है, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है, राइट। अब कैसे होती है जरा देखते हैं। हमें लगता है सिर्फ एडजेक्टिव में डिग्री होती है, ऐसा नहीं है बेटा, एडवर्ब में भी होती है। अब जैसे मैंने स्वीट लिया एडजेक्टिव, तो इसका क्या बनता है, स्वीट कंपैरेटिव, स्वीटेस्ट, सुपरलेटिव। अब यहां पे देखिए स्वीट के साथ एलवाई लगा दे, क्या बनता है, स्वीटली। क्या बन जाता है, स्वीटली। अब स्वीटली एडवर्ब बन गया। मैंने कहा इसकी भी डिग्री होती है पॉजिटिव कंपैरेटिव, तो स्वीटली हो गई पॉजिटिव। और हम लोग एडवर्ब में यूज करते हैं मोर, मोर स्वीटली, और मोर स्वीटली, ठीक है। स्वीटली, मोर स्वीटली और मोस्ट स्वीटली। तो स्वीटली के इतने डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है, राइट। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इस पर बेस्ड, I play hockey good, he speaks sweeter than Akshar. Now, next, my friend sings nice. अब यहां पे देखिए क्या प्रॉब्लम है. पहला सेंटेंस है आई प्ले हॉकी गुड, तो आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, प्ले आपका क्या है, मेन वर्ब है, और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है. गुड क्या है, एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को. लेकिन यहां नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कराना है, यहां पे इस वर्ब को क्वालिफाई कराना, प्ले को, कि मैं हॉकी कैसे खेलता हूं, अच्छे से खेलता हूं, खेलना अच्छे से. तो हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब. तो गुड गलत है, क्या लगा दो वेल. वेल क्या है, एक एडवर्ब है. आई प्ले हॉकी वेल. ठीक है. अब वेल के बारे में एक खास बात जान लो, यहां पे बता देते हैं. वेल वैसे तो एडवर्ब है, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है ना, तो ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है. आई एम वेल मतलब हेल्थ वाइज मैं अच्छा हूं. तो आई एम वेल में किसकी बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है. ठीक है. तो उस केस में ये एडजेक्टिव का काम करता है. आई एम वेल में वेल क्वालिफाई कर रहा है, आई प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा भैया, एडजेक्टिव हो जाएगा, आई एम वेल. ठीक है, क्लियर, राइट. अब देखिए तो यहां पर क्या है भैया, आई प्ले हॉकी गुड नहीं, क्या होगा, आई प्ले हॉकी वेल. ही स्पीक्स स्वीटर देन अक्षर, तो ही स्पीक्स, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्पीक आपका क्या है, मेन वर्ब. और वो कैसे बोलता है, बहुत ही स्वीट तरीके से बोलता है. तो मेन वर्ब को, इस वर्ब को क्वालिफाई कराना है. वो जो बोलता है बहुत स्वीट तरीके से बोलता है, लेकिन वो ज़्यादा स्वीट बोलता है जितना कि अक्षर बोलता है. यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, दैन लगा है. लेकिन इस कंपैरिजन में किससे किससे कंपैरिजन हो रहा है, हम यहाँ पर ही और अक्षर का कंपैरिजन कर रहे हैं कि ही जितना स्वीट बोलता है, ही जो अक्षर जितना स्वीट बोलता है उससे ज़्यादा ही बोलता है. तो यहाँ पे जो स्वीट वर्ड है ना, ये आप वर्ब को क्वालिफाई करा रहे हो, स्पीक को. तो यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, तो स्वीटर नहीं, क्या हो जाएगा, मोर स्वीटली. क्या हो जाएगा, मोर स्वीटली. ठीक है. तो ही स्पीक्स मोर स्वीटली दैन अक्षर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कराना था. ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, तो मोर प्लस स्वीटली आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी. किसी कंपैरेटिव डिग्री, एडवर्ब की. ठीक है, किसी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, एडवर्ब की आएगी. माय फ्रेंड इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सिंग्स आपका मेन वर्ब है. ठीक है, मेरा फ्रेंड गाता है, कैसे, अच्छे से गाता है ना, वर्ब को क्वालिफाई कराना है, एडजेक्टिव नहीं चाहिए. नाइस, क्या बोल दें, नाइसली. बात समझ में आ गई. ठीक है, कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब चाहिए. कंपैरेटिव डिग्री में भी अगर वर्ब को क्वालिफाई किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री हम एडवर्ब का लेंगे. ठीक है, Question is, the teacher talked to me. The teacher talked to me worse than my father. The teacher talked to me worse than my father. टीचर ने मेरे फादर से ज़्यादा बुरे तरीके से बात करी. ठीक है, मेरे फादर ने तो बुरे तरीके से बात करी लेकिन मेरे टीचर ने बहुत ज़्यादा करी. तो अब यहाँ वर्ब बात करने की बात तो क्वालिफाई करना है. तो वर्स क्या है? बैड एडजेक्टिव का कंपैरेटिव है. बैड वर्स वर्स्ट होता है. तो हमें एडजेक्टिव का कंपैरेटिव नहीं चाहिए क्योंकि हमें वर्ब को क्वालिफाई कराना है, तो हमें एडवर्ब का कंपैरेटिव चाहिए. तो बैड एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब का फॉर्म एक बैडली होता है. कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है? मोर बैडली. सुपरलेटिव हो जाता है मोस्ट बैडली. ठीक है, क्लियर. द टीचर टॉक टू मी वर्स देन माय फादर. तो टीचर टॉक टू मी वर्स देन माय फादर नहीं होगा. वर्स यहां पर क्या लगा दो? मोर बैडली लगा दो. बात समझ में आ रही है? क्लियर. राइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब यहाँ पे एडवर्ब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखते हैं. हमें पता है कि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है. ठीक है, लेकिन कई बार होता है हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को कर रहा है, और हम गलतियां कर ही बैठते. एसएससी में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. द क्वेश्चन इज, द मैंगो टेस्ट्स. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द मैंगो टेस्ट्स स्वीटली. ये सेंटेंस दे रखा है. अब यहां पे लॉजिक लगाने वाली बात है आप लोगों को पूरा. मैं इसीलिए मैंने बेसिक पढ़ाया था कि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर ये स्वीटली एडवर्ब है और सही है तो किसको क्वालिफाई करेगा? टेस्ट को. ठीक है, तो टेस्ट कैसे करना? स्वीट तरीके से करना. कौन करता है? मैंगो करता है. क्या ये लॉजिकल है? मैंगो टेस्ट बहुत ही मीठे तरीके से करता है. मतलब टेस्ट करने का एक्शन जो है, डूअर कौन है? मैंगो है. जबकि ऐसा नहीं है, मैंगो को टेस्ट किया जाता है, मैंगो किसी को टेस्ट नहीं करता. तो एक्चुअली में यहां पर हम कहना चाहते हैं मैंगो टेस्ट स्वीट. मतलब मैंगो का टेस्ट स्वीट है, हम ये कहना चाहते हैं. ठीक है, टेस्ट वर्ब के दो मीनिंग है बेसिकली, स्वाद लेना और स्वाद होना या देना, ठीक है। अब मैंगो स्वाद लेगा नहीं, मतलब मैंगो एक्शन करेगा नहीं, मैंगो का टेस्ट होगा, स्वाद होगा, जो भी होगा, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है। मैंगो ऐसा टेस्ट करता है, मतलब मैंगो का ऐसा टेस्ट पाया जाता है, ऐसा टेस्ट होता है। यहां पे मैंगो डूअर नहीं है। जब कभी भी हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं तो आपको पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, और प्लस एक्शन वो करता है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडीवी एडवर्ब चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ही प्लेड, नाइसली, उसने बहुत ही अच्छे से खेला। तो अब यहां पे जो नाइसली एडवर्ब आया है, क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को कर रहा है, और इस वर्ब का डूअर कौन है, ही। वर्ब एक्शन कर रहा है ना। अब यहां पर मैंगो थोड़ी ना एक्शन करेगा, मैंगो का ऐसा टेस्ट होगा ये बताया जा रहा है। मैंगो इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, तो इसीलिए ये एक्शन में नहीं लिया जाएगा टेस्ट, ठीक है। एक्चुअली ये स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब जो स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इज, एम, आर भी आता है, ठीक है। मैंने कह दिया ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है, राइट वो एक टीचर है, तो वो एक टीचर है, इस केस में इस क्या है, स्टेटिव है, स्टेट को शो कर रहा है। कैसा स्टेट है, टीचर होने का स्टेट है, क्लियर, राइट, टीचर होने का स्टेट है, गॉट इट। तो यहां पर ये स्टेटिव वर्ब में आ गया। उसी तरह से ये भी वर्ब स्टेटिव है, ये टेस्ट बता रहा है, टेस्ट यहां पे लिया नहीं जा रहा है। ये एक्शन भी होता है जब कोई सब्जेक्ट डूअर हो, लेकिन मैंगो डूअर नहीं है, तो उस केस में स्टेटिव है, स्टेट बता रहा मैंगो की, मैंगो का टेस्ट कैसा है, स्वीट है। तो यहां पर स्वीटली ना हो करके हमने स्वीट इसलिए यूज किया क्योंकि यहां पे जो वर्ड आना है वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन के लिए आना है, ठीक है, राइट। वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि वर्ब स्टेटिव है, स्टेट को शो कर रहा है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा है as such, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत होती है। द मैंगो टेस्ट स्वीट होगा, द मैंगो टेस्ट स्वीटली नहीं होगा। द फ्लावर्स स्मेल नाइसली। अब इस सेंटेंस को देखो, द फ्लावर्स स्मेल नाइसली। अब इस केस में क्या है, फ्लावर्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, फ्लावर्स सेंटेंस का सब्जेक्ट है, स्मेल आपका मेन वर्ब है, और नाइसली यहां पर एडवर्ब है। लेकिन अगर ये एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब कोई एक्शन होना चाहिए कि फ्लावर स्मेल नाइसली, तो इसका मतलब हो गया कि फूल सूंघता है किसी चीज को बहुत ही अच्छे से, नाइसली। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। फ्लावर एक नॉन लिविंग है, डूअर नहीं है, तो इसका मतलब है स्मेल कोई एक्शन नहीं कर रहा। स्मेल क्या कर रहा है, स्मेल बता रहा है, एक स्टेट बता रहा है, ये स्टेटिव वर्ब की तरह आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटिव वर्ब की तरह आ रहा है जो फ्लावर को क्वालिफाई, अब स्टेटिव वर्ब आ रहा है किसके लिए, फ्लावर के लिए, ठीक है। ये इसका स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बता रहा है, फ्लावर की स्टेट बता रहा है। अब फ्लावर कैसा है, स्मेल, फ्लावर का स्मेल कैसा है, नाइसली, नाइसली नहीं क्या होगा, नाइस, क्योंकि फ्लावर का स्मेल बता रहा है, मतलब फ्लावर को क्वालिफाई किया जा रहा है। अब नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है, तो एडजेक्टिव होगा, नाइस होगा, नाइसली नहीं होगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो स्टेट को शो करते हैं, एक्शन भी शो करते हैं लेकिन डूअर एक्शन वाला होना चाहिए। तो जब ऐसे वर्ब जो स्टेट को शो करेंगे तो उनके बाद में आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब का नहीं करते हैं। अभी और एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन यही वर्ब एक्शन कर सकते हैं और अगर एक्शन करेंगे तो अब एडवर्ब आएगा। जैसे आई एम टेस्टिंग द मैंगो नाइसली। अब यहां पे देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब ऐसा है जिसमें एक्शन हो रहा है, स्टेट नहीं हो रहा है। आई एम टेस्टिंग, मैं टेस्ट कर रहा हूं, आई एम डूइंग द एक्शन, आई एम द डूअर। ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा हूं मैंगो को, आई एम टेस्टिंग द मैंगो। अब यहीं पर हम कह दें आई एम टेस्टिंग द मैंगो, आगे मैंने कह दिया नाइसली, तो इसका मतलब है इस टेस्ट को ये नाइसली क्वालिफाई कर रहा हूं। बिल्कुल कर सकता है क्योंकि इसको करने वाला डूअर यहाँ पर आई दे रखा है, इसका मतलब टेस्टिंग यहाँ पर स्टेट नहीं एक्शन की बात कर रहा है। तो आई एम टेस्टिंग द मैंगो नाइसली का मतलब ये हो गया कि मैं मैंगो को, आम को बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर रहा हूं, नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आम कहीं गिर नहीं रहा है, प्रॉपर उसको टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही बहुत ही मैनर्ड में, वेल मैनर्ड, राइट। ठीक, नेक्स्ट यहां पर क्या है, अब कौन कौन से ऐसे वर्ब है सबका हम लिखवा देंगे। द बॉटल फील्स हॉट। द बॉटल फील्स हॉट में द बॉटल सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, फील यहां पे स्टेटिव वर्ब हो गया। बॉटल कैसे फील देती है, कैसी उसकी फील होती है, हॉट फील होती है, मतलब छूने पे कैसा लगता है, गर्म लगता है। ठीक है, ये आपने कहा हॉटली नहीं, हॉट। द बॉटल फील्स हॉट, बॉटल छूने में हॉट लगता है, द बॉटल फील्स हॉट। ठीक है, गर्म लगता है। अब ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है, टेस्ट, स्मेल, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, सीम हो गया, लुक हो गया, तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ ऐसा बिहेव होता है, जो स्टेटिव वर्ब की तरह ट्रीट होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा होगा, उसकी स्टेट बता रहा होगा। ठीक है, राइट। तो उस केस में ये अपने बाद क्या लेते हैं, ये स्टेटिव वर्ब की तरह ट्रीट होते हैं और अपने बाद क्या लेते हैं, ये एडजेक्टिव लेते। अब यहाँ पे एक बात समझना, मैंने कहा ही लुक्स ग्रेटली इन द ड्रेस, वो ड्रेस में बहुत ही ग्रेट लगता है। तो वो देखता नहीं है उसका लुक कैसा है, ग्रेट है, तो क्वालिफाई ही को किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रेटली नहीं क्या होगा, ग्रेट होगा। ही लुक्स ग्रेट इन द ड्रेस, मतलब वो नहीं देखता है, उसका लुक ग्रेट है, मतलब लुक्स यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है, किसकी, इस प्रोनाउन की। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, कि यहां पर हम एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हैं, एडवर्ब क्यों नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए, एडवर्ब में अब हम लोग कुछ और स्पेशल चीजें देखते हैं। अब यहां पर बेटा स्पेशल चीजों में हम यहां पर आज बात करेंगे पोजीशन ऑफ एडवर्ब की। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में एडवर्ब्स की क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए, सेंटेंस में कहाँ कहाँ होनी चाहिए। हम लोग जनरली उल्टा सीधा लिख लेते हैं, प्रॉब्लम है, वो सही नहीं है। अब मैंने आपसे कह दिया कि शी sang a song yesterday, in दिल्ली, यस्टरडे इन दिल्ली है, तो ये प्लेस है और ये टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यस्टरडे और ये इन दिल्ली एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इस केस में क्या है बेटा, शी सैंग अ सॉन्ग यस्टरडे इन दिल्ली में हमने एडवर्ब ऑफ टाइम पहले लगा दिया और एडवर्ब ऑफ प्लेस बाद में लगा दिया, जबकि प्लेस पहले आएगा टाइम बाद में आएगा। मतलब क्या होना चाहिए सेंटेंस, शी सैंग अ सॉन्ग, शी सैंग अ सॉन्ग in London yesterday। ठीक है, क्या बोलेंगे, yesterday। ठीक है, चलिए, तो अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन क्या है। ठीक है, मैनर प्लेस पहले यहां पर टाइम और प्लेस दे रखा था, सॉरी प्लेस और टाइम दे रखा था, तो पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा। तो यहां पर ये बात है कि अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब बात करते हैं, पोजीशन ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर को हम लोग प्लेस करते हैं वर्ब से पहले या फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में। ठीक है, हमने सेंटेंस लिखा शी played the hockey nicely. Or she nicely played the hockey. C सब्जेक्ट है, played आपका मेन वर्ब है. अब यहां पर नाइसली को हमने लगाया है शी प्लेड द हॉकी, शी प्लेड हॉकी नाइसली. ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली थोड़ा सा करेक्शन है, कर लो. She played हॉकी नाइसली, ऊपर हमने ये लिखा, और शी नाइसली प्लेड हॉकी. शी प्लेड हॉकी नाइसली में प्लेड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, नाइसली एक एडवर्ब है. ठीक है, तो हमने एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस किया. ठीक है, और यहां पर हमने नाइसली वर्ब से पहले प्लेस किया. दोनों ही सेंटेंस सही हैं, वर्ब से पहले भी और ऑब्जेक्ट के बाद में भी. ज़्यादा प्रेफरेंस हम ऑब्जेक्ट के बाद वाले को देते हैं, ध्यान रखिए. शी प्लेड हॉकी नाइसली, ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है. जब आपको ज़्यादा जोर देना हो तब आप वर्ब से पहले लगा सकते हो. शी नाइसली प्लेड हॉकी, ये अ बिट एम्फेसाइजिंग. जनरली आप फॉलो शी प्लेड हॉकी नाइसली करें. गलत कहाँ होगा बेटा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो गलत कहाँ होगा, गलत होगा अगर हमने लिख दिया शी प्लेड She played nicely hockey, ये गलत हो गया. अब आपने order of manner कहां लगाया, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, जो कि नहीं होता है. या तो वर्ब से पहले होगा या तो ऑब्जेक्ट के बाद होगा. अगर दोनों जगह नहीं है कैंसिल करो, नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा सेंटेंस, आ चुका है एग्जामिनेशन में. ठीक है, गुड, वेरी गुड. She happily took the exam, or she took the exam happily. दोनों ही सही हैं. यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि वर्ब से पहले आपने हैप्पीली लगा दिया. ठीक है, मेन वर्ब से पहले, और यहां पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैप्पीली लगाया. सही दोनों हो गए. ज्यादा प्रेफरेंस आप दूसरे वाले को दोगे. पहला वाला क्या होगा, जोर देने वाला, शी हैप्पीली टुक द एग्जाम. अच्छा, यहां पर दोस्तों एक बात और आप बता दें, यहां पे हमने टुक की फॉर्म यूज करी है. तो अब हमने टुक की फॉर्म क्यों यूज करी एग्जाम के केस में, तो अब सुन लो. यहां पे अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है ना तो टेक द एग्जाम लगता है या टेक एग्जाम होता है, गिव एग्जाम नहीं होता. अगर टीचर आपसे टेस्ट लेता है, टीचर ठीक है आपका एग्जाम लेता है, तो टीचर गिव एग्जाम होता है. अब ऐसा क्यों होता है, ये लॉजिक समझिए कि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको टीचर क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके लिए और वो आपको देते हैं पेपर में, तो आप उसको क्या करते हो, लेते हो उस एग्जाम को, जो वो एग्जाम पेपर बनाते हैं उनको आप लेते हो, फिर सॉल्व करते हो, तो यू टेक एग्जाम। और द टीचर क्या करते हैं, आपको वो देते हैं, तो दे गिव एग्जाम। एसएससी में भी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, द टीचर, क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। देखो मेरा मकसद है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई ऐसी एडिशनल अच्छी चीज आती है तो हम जरूर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आया था, द टीचर हैज given the exam and all the students have gone। टीचर ने एग्जाम ले चुके हैं, ठीक है, हिंदी में तो यही बोलते हैं, टीचर एग्जाम ले चुके हैं और बच्चे सारे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब टीचर ने एग्जाम लिया है आपका, तो उसके लिए उन्होंने पेपर दिया होगा आपको। आप हिंदी से ना देखें कि सर स्टूडेंट पेपर दे रहा है तो दे रहा है तो गिव, और टीचर ले रहा है तो टेक, नहीं, एग्जामिनेशन पेपर देता है टीचर आपको और आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द टीचर हैज टेकन द एग्जाम नहीं, द टीचर हैज गिवन द एग्जाम, जो कि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन आया ना, द टीचर हैज गिवन द एग्जाम एंड ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, तो कई स्टूडेंट्स को लगा सर कि गलत हो गया, टीचर लेता है तो यहाँ पर हैज टेकन द एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये स्टार्ट किया है, बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, आज ख़त्म नहीं हो पाएगा। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जिसमें हमने एक पढ़ लिया है, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ और कैसे प्लेस करते हैं। एक बार रिवाइज कर लो, फिर क्लास ओवर करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। हमने कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एलवाई आता है, और वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बनते हैं। और कौन से वर्ड्स हैं वो, टाइम डिनोटिंग, वीकली, मंथली, ईयरली और क्वार्टरली भी। ठीक है, क्वार्टरली भी। राइट, आगे देखिए, आई प्ले हॉकी और आई प्ले हॉकी गुड, प्ले को क्वालिफाई करना है तो गुड नहीं क्या आया, वेल। हम रिवाइज कर रहे हैं इसको फटाफट। ही स्पीक्स स्वीटर दैन अक्षत, तो वो अक्षत से ज्यादा स्वीट बोलता है, तो बोलना कैसा है, ज्यादा स्वीट, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो मोर स्वीटली हो जाएगा, मोर लग करके एडवर्ब बनता है, स्वीटली एडवर्ब हुआ तो मोर स्वीटली हो जाएगा, ठीक है। माई फ्रेंड सिंग्स नाइस, मेरा फ्रेंड अच्छा गाता है, तो वर्ब को क्वालिफाई करना है, ठीक है, नाइसली हो जाएगा, ठीक है। वेल आपका एडवर्ब है बेसिकली, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो एडजेक्टिव का भी काम करता है, आई एम वेल, ठीक है, राइट। आई एम वेल का मतलब हेल्थ वाइज मैं कैसा हूं, अच्छा हूं, सही हूं, कोई भी प्रॉब्लम मेरे हेल्थ में नहीं है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब में हमने देख ही लिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब से पहले प्लेस कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस करेंगे। ज्यादा अच्छा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में अच्छा होगा, ठीक है, सामान्यता। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास आपको कैसी लगी, डेफिनेटली अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको नया, कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को जरूर मिला होगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट की सीरीज शुरू करी है, नाउन का किया, प्रोनाउन का, अब एडवर्ब का, इसको आप सीरीज वाइज देखते रहो। एडवर्ब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लाइव आया करो शाम को आप लोग, 9:30 बजे मेरी क्लास होती है लाइव में, ठीक है, जिसमें इसमें पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन टैग। आज क्वेश्चन टैग के रिवीजन के तौर पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 2 घंटे की आज क्लास होगी हमारी, लाइव क्लास लगभग 2 आवर्स की आज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। ऐसे ही आप लोग कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट।